Hello friends, welcome back to my channel. I am Nitika and today I am doing another Clear Factory haul video. So, जैसा कि मैंने आपको अपने previous video में बता रखा था कि Clear Factory online site है जहाँ से हम कुछ भी purchase कर सकते हैं. तो वहाँ से मैंने काफी सारे stuff मंगवाए हैं. इस बार मैंने bag भी order किया है क्योंकि इसके पहले मैंने कभी bag order नहीं किया था क्योंकि मुझे देखना था कि इसकी quality कैसी होती है. तो इस बार मैंने bag भी order किया है and मैं सारा कुछ एक video में नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत long हो जाएगा. इस बार मैंने बहुत सारे item purchase किए हैं तो मैं उसे पार्ट वाइज करके अपलोड करूंगी. और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसे प्रेस कर ले जिससे आपको मेरे वीडियो के सारे अपडेट मिलते रहेंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्लब फैक्ट्री की पैकेजिंग कुछ इस टाइप से है. इस टाइप की पैकेजिंग में सारे स्टॉप आते हैं और इसके अंदर बबल रैप होके आते हैं. तो इस टाइप के बबल रैप में सारे इंडिविजुअल पैक होके आते हैं. तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि मैंने वहां से क्या क्या मंगवाया. तो जो मेरा फर्स्ट आइटम है वो है ये चोकर. ये बहुत ब्यूटीफुल सा चोकर है एंड ये जब मैंने क्लब फैक्ट्री पे देखा था तो ये मुझे लगा था कि ये मेटालिक चोकर होगा बट नहीं, ये एक प्लास्टिक का चोकर है. आप देख सकते हो बट ये फिर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, एलिगेंट स्टेटमेंट पीस है. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड ये मुझे अराउंड पड़ा था 160 रुपीज का. तो ये मुझे काफी पसंद आया. देन जो सेकंड आइटम है वो ये स्टड इयरिंग. आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल स्टड इयरिंग है. इसमें ग्रीन कलर के स्टोन है एंड नीचे स्काई ब्लू कलर के स्टोन लगे हैं एंड ये मुझे बहुत पसंद आया. बट इसे मैंने थोड़ा सा बिगर इमेजिन किया था कि थोड़ा बिगर आएगा बट ये स्मॉल आया. बट फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत है एंड ये मुझे अराउंड पड़ा था 98 रुपीज का. एंड इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. आप देख सकते हैं पीछे मेटल का है और इन्होंने कितनी अच्छे से इसकी स्टोन की डिटेलिंग की है. तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. तो देन जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर है वो है स्टड इयरिंग, अगेन एंड स्टड इयरिंग एंड इसमें सिल्वर एंड ब्लैक की डिटेलिंग की हुई है और इसमें छोटे छोटे स्टोन भी आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा. एंड ये इयरिंग बहुत ही खूबसूरत है, इनकी साइज भी बहुत सही है और इसकी फिनिशिंग काफी अच्छे से की हुई है, बहुत ही स्मूथ है. इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ये मुझे अराउंड पड़ा था 78 रुपीज का. तो जो मेरा थर्ड है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट पीस इयरिंग है. आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट पीस इयरिंग है. इसमें और भी कलर थे, इसमें व्हाइट, पिंक, रेड एंड बट मैंने ये मल्टी कलर ऑर्डर किया. एंड ये कुछ इस टाइप से है बैग से, ये मेटल का है. इसमें नीचे टेसल लगा हुआ है, उसकी टेसल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. आप देख सकते टेसल की टेसल नहीं निकल रहा है इसमें से एंड इसमें छोटा सा पीछे मेटल का हुक लगा हुआ है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. बहुत ही इसके स्टोन वर्क बहुत ही प्यारे हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद आया. एंड इसका जो ये दिखने में बहुत हैवी है बट सीरियसली ये हैवी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाइट सा है. बहुत लाइट नहीं कहेंगे बट हाँ मतलब नॉर्मल सा लाइट सा ही है. तो ये काफी अच्छा है एंड ये मुझे अराउंड पड़ा था 114 रुपीज का. तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, ये काफी खूबसूरत सा, आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल सा है, बहुत ही खूबसूरत सा ये इयरिंग है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया. देन जो मेरा इसके बाद जो नेक्स्ट पीस है वो एक ये रिंग सेट है. आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल सा रिंग का सेट है. मैं आपको इसे वियर करके दिखाती हूँ कि ये कैसे वियर करते हैं इसे. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. इसकी जो डिजाइन बनाई हुई है काफी बहुत ही अच्छे से फिनिश है. इसकी चेन की क्वालिटी भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है. ये ऊपर वाला रिंग मुझे लूज हो रहा है बट फिर भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग पीस लगा. आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से इसके सिल्वर में फ्लावर्स एंड लीफ की एलिंग की हुई है, बहुत ही सुंदर है. एंड ये मुझे अराउंड पड़ा था 120 रुपीज का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. देन उसके बाद जो मेरा लास्ट पीस है वो है ये मोबाइल चार्जर. ये एक मोबाइल होल्डर चार्जर है, आप जब चार्जर लगाओगे तो इसमें यहाँ पे पास करके आप चार्जर लगाओगे जिससे ये फंसा रह जाएगा एंड देन इस पर अपने फोन को रख के चार्ज करोगे. बट ये मेरा फोन इससे गिर जाता है और ये मेरे को यूज करनी है क्योंकि इस पर छोटा, इसका आप देख सकते हैं इसकी साइज नीचे वाली काफी छोटी है तो इस पर छोटा वाला फोन इस पर चार्ज हो सकता है बट स्मार्टफोन जो आजकल हम जो डेली यूज करते हैं वो इस पर चार्ज नहीं हो सकता. बट इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड ये मुझे अराउंड पड़ा था 110. तो ये था आज का मेरा क्लब फैक्ट्री का हॉल वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें एंड मैं अपना जो रेस्ट आइटम है वो जल्दी ही अपलोड करूंगी. तब तक के लिए बाय बाय.